हेलो दोस्तों, स्टडी कूल प्रे में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन जर्नी। आज रहेगा हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 3, जिसके अंदर हम देखेंगे क्राउन रूल से रिलेटेड। तो उससे पहले हम आज की कोटेशन देखते हैं। यू अट्रैक्ट द थिंग यू थिंक अबाउट, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। कहने का मतलब यह है कि हम उसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसलिए हमेशा जो है हमको अच्छा और सही सोचना चाहिए, तो लाइफ में भी अच्छा होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। तो जो 1857 का रिवोल्ट था, उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंट्रोल नहीं संभाल पा रही है इंडिया का, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जो है रिवोल्ट काफ़ी हो रहे हैं इंडिया में जगह जगह। इसलिए जो है एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। उसमें इन्होंने क्या किया, उसके अंदर इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एबोलिश कर दिया, और डायरेक्ट रूल जो है आ गया इंडिया के अंदर किसका, ब्रिटिश क्राउन का। और इस एक्ट को जो है गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे इसके अंदर देखेंगे, तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया हुआ करता था, उसको जो है वहाँ से हटा के टाइटल दे दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया, और ये जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का इंडिया के अंदर। और जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे, ये थे लॉर्ड कैनिंग। अब इससे आगे अगर हम देखेंगे, तो जो कंपनी का पहले क्या था 1858 से पहले, कि जो है डुअल गवर्नमेंट होती थी, मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इनका जो डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1858 का, उसने टोटली एंड और एबोलिश कर दिया। और इसकी जगह पे जो है नया ऑफिस बनाया गया, जिसके अंदर बोला था कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ये जो है मेंबर रहेगा ब्रिटिश कैबिनेट का, और इसके अलावा ये जो है रेस्पॉन्सिबल रहेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसको असिस्ट करने के लिए जो है 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी इंडिया के अंदर। और ये जो काउंसिल थी, ये एडवाइसरी बॉडी थी, मतलब कि ये सिर्फ एडवाइस दे सकती थी। और इस काउंसिल के अंदर जो चेयरमैन था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। इसके अलावा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था काउंसिल के अंदर, ये एक तरीके से जैसे कोऑपरेटिव होता है, या फिर किसी भी तरीके का मुकदमा हो गया इंडिया के अंदर या फिर इंग्लैंड के अंदर, वो सारा जो है इसके अंडर रहता था। इसके अलावा जो इस एक्ट का यूज़ किया गया था, ये एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इम्प्रूव करने के लिए किया गया था। इसके अलावा जो है और कोई जो है इसका मोटो नहीं था आमतौर पर। अब जो है ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट अगर कुछ वैल्यू एडिट करना हो, तो आप आगे जो है सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।